राष्ट्रपति चुनाव से पहले रविवार को होगी एनडीए की बैठक। पीएम मोदी समेत दिग्गज नेता होंगे शामिल। मानसून सत्र पर भी हो सकती है चर्चा। अमरनाथ में कैंप के बीच अचानक आया सैलाब। टेंट समेत बह गए लोग। करीब 15 की मौत और 40 लोग लापता। सीएम शिवराज ने पीसीसी चीफ पर साधा निशाना। कहा, क्या कमलनाथ का कांग्रेस में ही इंटरेस्ट खत्म हो गया है? उन्होंने वोट ना डालकर लोकतंत्र का अपमान किया। द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को जाएंगी रायपुर। सांसद और विधायक से मुलाकात कर वोट की करेंगी अपील। छत्तीसगढ़ के बाद आ सकती है मध्य प्रदेश। और जबलपुर में ठगी करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। कब्जे से 49,500 रुपए जब्त। नोटबंदी का झांसा देकर वारदात को दिया अंजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रविवार को एनडीए की बैठक होगी जिसमें पीएम मोदी सहित पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होना है और इसी दिन संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि मीटिंग के दौरान राष्ट्रपति चुनाव और मानसून सत्र में पार्टी की स्ट्रेटेजी पर भी चर्चा हो सकती है। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले होने वाली यह मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के कारण कैंप के बीच से अचानक सैलाब आ गया। जहां 10 से 15 हजार श्रद्धालु मौजूद थे, वहीं कई लोग टेंट के साथ बह गए। हादसे में करीब 15 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 40 श्रद्धालु लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पहाड़ों से तेज बहाव के साथ आए पानी से श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए करीब 25 टेंट और 2 से 3 लंगर बह गए। वहीं हादसे के बाद अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को रायपुर आएंगी। यहां वह छत्तीसगढ़ के सांसदों और विधायकों से मुलाकात कर अपने लिए वोट की अपील करेंगी। मुर्मू छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश आ सकती हैं। पार्टी के मध्य प्रदेश कार्यालय में इसको लेकर एक बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत अन्य नेता मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू आजादी के बाद की पहली ऐसी आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनी है। रायपुर में उनके प्रवास को लेकर भाजपा तैयारी में जुट गई है। जबलपुर के रेलवे स्टेशन में नोटबंदी का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कब्जे से 49,500 रुपए जब्त किया है। जीआरपी थाना प्रभारी सुनील नेमा के मुताबिक सरई ग्राम निवासी राजेंद्र सिंह और अतर्रा निवासी मंगल प्रजापति ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी नोटबंदी का झांसा देकर दोनों से करीब 60,000 रुपए लेकर फरार हो गया, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित किया गया। जहां आरोपी फिर वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, वहीं मौके से पहुंची पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी को धर दबोचा, जिसकी पहचान संतराम पटेल निवासी मझौली ग्राम ढोड़ा हुई है। उसको पकड़ के पूछताछ की तो वो व्यक्ति संतराम पटेल, जो ग्राम ढोड़ा पोला थाना मझौली का रहने वाला है, और बड़े ही शातिराना अंदाज में उसने ये अपने काम को अंजाम दिया। उससे पूछताछ पर उसके द्वारा ठगे गए 49,500 रुपये या जब्त किए गए। धारा 420 का अपराध उसके खिलाफ हमने पंजीबद्ध किया था, गिरफ्तारी करके कल न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ से उसको जेल भेज दिया गया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में जैत पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की और उसके बाद मतदान केंद्र पहुंचे और जनपद पंचायत सदस्य के लिए अपना मतदान किया। आपको बता दें कि यहां पंच और सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं, वहीं जनपद पंचायत सदस्य के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ उनका पूरा परिवार नजर आया। नरसिंहगढ़ जिले में प्रत्याशियों की अनुपस्थिति में मतगणना करवाई जा रही है, जिसका विरोध प्रत्याशियों ने भी किया। उनका कहना है कि हम नहीं चाहते यहां पर मतगणना हो, फिर भी प्रशासनिक अधिकारी मतगणना की तैयारी में लगे हुए हैं। प्रत्याशियों का कहना है यहां मतगणना से विवाद हो सकता है, हम पर हमले भी हो सकते हैं। इस कारण हमने पहले भी कलेक्टर और SP को आवेदन दिया था, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और तलवार लेके पीटर सिंह ने भी डराया था और हमारे गगच्चे पकड़ के हमारे मारा कूटी करी, हमारे सामने मत पे डबल मत पे सीला लगाई और मतलब खाके 8 वोट हमारा निरस्त करके 1 वोट से उन्हें जीत हासिल करी। और जीत करने के बाद बाद में भी हमें हमेशा डराया, जब वो केस हमारे फिर एकदम साफकंग भी चले था पूर्ण गिनती का इंदौर अपील तो करी 5 साल की चाहिए सर, कभी कहीं सुनाई नहीं होती लड़ाई झगड़ा को बिरबिरा परमेश्वर से वोट गिनाया जाता है, दादागिरी से गिन रही है। आपने आपने भी शिकायत की क्या इसकी कलेक्टर एसपी? हाँ की, नहीं मानी उन्होंने भी, मैंने लड़ाई जब भी जोरी से गिन रही है। BJP का प्रतिनिधि मंडल राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा और नगर निगम के अगले चरण की वोटिंग और काउंटिंग की तारीख बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें कि 13 जुलाई को निकाय के अगले चरण की वोटिंग होनी है और 18 जुलाई को मतगणना होना है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव और गुरु पूर्णिमा के कारण तारीख बढ़ाने की मांग की गई है। 18 तारीख को राष्ट्रपति जी का चुनाव है और उसके कारण पूरे प्रदेश के सांसद और विधायकों को भोपाल में रहना पड़ेगा, इसलिए 18 तारीख की काउंटिंग जो है उसकी तिथि परिवर्तन करना चाहिए। दूसरा, उसी प्रकार 13 तारीख को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम गुरु पूजन का होता है, जिसमें लाखों लोग अपने गुरु की पूजा करने के लिए गुरु स्थानों पर जाते हैं, प्रदेश और प्रदेश के बाहर भी अनेक लोगों का जाना होता है। 13 तारीख को दूसरे चरण के मतदान की तिथि भी परिवर्तित की जाना चाहिए। राजधानी के चुनावी मैदान में भाग्य आजमाने वाले महापौर और पार्षदों के कुल 388 कैंडिडेट्स की किस्मत EVM में कैद हो गई है। शहर में बनाए गए 2160 मतदान केंद्रों पर शाम तक मतदान जारी रहा, जिसके बाद मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई और मतदान दलों ने EVM और अन्य सामग्री को राजधानी के लाल परेड मैदान पहुंचाया, जहां प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बाद EVM समेत अन्य सामग्री को स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया गया है। जो गार्ड डिप्लॉयमेंट होता है, जो माननीय आयोग के निर्देश होते हैं, उसके अनुसार किया गया है, जिसमें SAF का गार्ड डिप्लॉय है, सबसे अंदरूनी जो सुरक्षा चक्र है उसमें। उसके साथ ही जो DF का बल है, जो भारी सुरक्षा में डिप्लॉय किया गया है, साथ ही CCTV कैमराज और जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पे गेट्स को मैन किया गया है, कोई भी आने जाने वाले व्यक्ति का पूरा उसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे के बाद भाजपा ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। बेलतरा के विधायक रजनीश सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, रजनीश सिंह ने यह भी कहा कि 2 जुलाई की रात अकलतरा में एक महिला के साथ दुष्कर्म जैसी घटना हुई, इसके बाद दिल्ली के निर्भया कांड की तरह उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन इस पर
कांग्रेस के किसी नेता की कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भ्रष्ट भूपेश सरकार के कारण छत्तीसगढ़ में महतारी एक बार फिर शर्मसार हुई है। आज के इस गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रेस वार्ता के कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे जिला के अध्यक्ष कन्हैया राठौर जी, महामंत्री द्वय राकेश जी, लाल जी यादव जी, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी दिलीप जी, हमारे मीडिया के प्रभारी बालकृष्ण जी, सम्माननीय बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता बंधु आज उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में। और आज का दिन एक संयोग है कि 6 जुलाई भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी जी का जयंती का कार्यक्रम है। हम सब उनके चरणों में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बंधु, आज का जो पत्रकार वार्ता का विषय है, दो विषय बहुत गंभीर विषय दोनों के दोनों। और जब इस प्रदेश में 2018 में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारी बहुमत के साथ इस सरकार को विजयी बनाया, बड़े बड़े वादों के घोषणा के साथ ये जनता के हित के काम करेंगे ऐसे वादों के साथ, लेकिन देखते देखते 6 महीना बाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, हमारे सब कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग लगातार ये बात 6 महीने के अंदर इस सरकार के खिलाफ में ऐसे कार्य इनका हुआ जिसको हम लोगों ने निशाना बनाया, इसको विषय बनाया और जनता के बीच लेके गए। पहला विषय था हमारा कि ये सरकार माफिया की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है, जिसमें चाहे वो शराब माफिया हो, सेंड माफिया हो, भू माफिया हो, कोल माफिया हो, इन सब माफियाओं को मिलकर ये सरकार चला रही है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि छत्तीसगढ़ में जो लाइन ऑर्डर है, लाइन ऑर्डर इस तरह से खराब हुआ है कि हम रोज देखें नए नए तरह के अपराध। हम ये अपराध जो है बड़े बड़े प्रदेशों में देखते थे, छत्तीसगढ़ इस तरह के अपराधों के लिए कभी नहीं जाना जाता। सामूहिक चाहे हत्याकांड हो, चाहे सामूहिक आत्महत्याकांड हो, नशे के नए नए सौदागर, शराब के नए नए, रोज आप पेपर पढ़ें 10-10 क्विंटल 15-15 क्विंटल गांजा की जब्ती, शहर में चाकूबाजी, शराब के पी करके सब न्यूसेंस पैदा करने वाले, ऐसे तमाम दृश्य जो पूरे प्रदेश में दिख रहे हैं। और लगातार इतनी हत्याएं हो रही है, जो घटना हो रही है छत्तीसगढ़ में, यदि हम नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट की बात करें जो अधिकृत रूप से माना जाता है देश में, 2.5 करोड़ के जनता की छत्तीसगढ़ की इस प्रदेश में कई मामलों में हत्या में, अपहरण में, अनुसूचित जाति जनजाति बालक बालिका ऐसे वर्गों के ऊपर अपराध में हम 1, 2, 3 में हैं। तो इस तरह से ये जो दोनों विषय है, तो एक विषय जो है भ्रष्टाचार से संबंधित। निकाय चुनाव में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल कटनी से कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी निशा मिश्रा ने कांग्रेस की सदस्यता को छोड़ भाजपा का दामन थामा है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों सदस्यता ग्रहण की। निशा मिश्रा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मिथिलेश जैन की करीबी रही हैं। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गुलाम ख्वाजा नियाजी के साथ अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी की सदस्यता दिलाई, जहां कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के साथ शिवराज सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर विश्वास जताया। सीतापुर में गौ हत्या का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं गुरगुमा में गौ हत्या का एक मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गुरगुमा के जंगल से गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जंगल पहुंचकर 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर मांस बरामद कर लिया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। ये आज दिनांक 7/7/2022 को थाना सीतापुर के ग्राम गुरगुमा ललितपुर के पास हमको मोबाइल के माध्यम से सूचना मिला कि जो है प्रार्थी रुपेश आर्य गुप्ता ने बताया कि जो है ग्राम गुरगुमा में जंगल किनारे जो है 3-4 लोग जो है मवेशी ले जाकर उसको काट के मांस बना रहे करके
सूचना पर सीतापुर पुलिस जो है टीम बनाकर मौके पर रवाना हुई और वहां पर घेराबंदी की, जिसमें जो है आरोपी दुबराज उराव, बुरसाई उराव, हरिचंदर उराव और नीलेश उराव, इन चारों को जो है मौके पर मवेशी काट कर पकड़ा गया। इनके विरुद्ध थाना सीतापुर पुलिस द्वारा रुपये सारे गुप्ता की रिपोर्ट पर थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 2018/22 धारा 429 IPC 4-5-10 पशु कृषक परिरक्षण अधिनियम धारा 2004 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस आयुक्त कार्यालय का घेराव किया। बता दें कि इंदौर नगर निगम के चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए थे, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि हमारे कार्यकर्ताओं को हाथ लगाने वालों को के मुंह तोड़ दे जवाब देंगे। इंदौर शहर का अपना एक नेचर है, इसकी सभ्यता है, इसके संस्कार है। चुनाव में इस तरीके की घटनाएं इंदौर शहर में नहीं होती है। जिस तरीके से कल झूठे मुकदमे लगे, कांग्रेस के प्रत्याशियों को जगह जगह थाने में बिठाए गए, जो प्रस्तावक थे उनको बूथों पर न जाने दिया गया, और राजू भदौरिया जिस समय थाने पे बैठा था उस समय की घटना को लेकर उस पर 307 लगा दिया। हम खुद कल पूरी कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन, संजय शुक्ला जी अध्यक्ष जी, विशाल पटेल जी जिला अध्यक्ष जी, चिंटू चौकसे जी, सब थाने में बैठकर हमने भारतीय जनता पार्टी के नेता और पुलिस अधिकारी कपूरिया जी समेत सब लोगों के बीच में समन्वय की बात की कि ऐसे मामलों में सरकार, पुलिस, इंदौर शहर का वातावरण और इसकी सभ्यता बिगड़ेगी, संस्कृति बिगड़ेगी, वातावरण बिगड़ेगा। पर जब हम थाने में थे तब तक अच्छी बातें, और थाने से बाहर हुए तो 307 और भी झूठी। ये पुलिस का जो रवैया था ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी के हेवी दबाव में था, या फिर ऐसा था कि सरकार पुलिस को ही चुनाव लड़वाने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता बना। ये सब तथ्य और प्रमाण हमने पूरी पार्टी ने दिए हैं। मैंने कल भी बोला था, कल भी हमने सभी लोग आए थे नेता आदरणीय सभी बीजेपी के नेता, उनसे बोला कभी गलती हुई राजू भदौरिया तो हम माफ़ी मांगते हैं, पर माफ़ी जो महिलाओं ने मारा है उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं हुई, राजू भदौरिया के खिलाफ रिपोर्ट हुई, जहाँ पर अनवर कादी शिकायत हुई उसमें 80% वोट उनको मिल रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों करेंगे? ये बौखलाहट थी, बौखलाहट के साथ में उनने जितने हमारे पुलिस कर्मचारी जो देश की सेवा करते हैं, जिनकी रक्षा करते हैं हमारी, उनको ही मारा मिला था। और कल चुनाव के दौरान स्थानीय चुनाव के दौरान उन विवादों को लेकर के कार्रवाइयाँ की, उन कार्रवाइयों को लेकर के इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी वर्तमान स्थिति में हर जगह लगभग बहुत सारे ऐसे तकनीकी साक्ष होते हैं, जैसे कि वीडियो फुटेज, बहुत सारे CCTV फुटेज, ऐसी जानकारी रहती है, तो उन बिंदुओं पर उन्होंने कुछ अपने पक्ष रखा है। पुलिस पूरी तरीके से वक्तनुक्त तरीके से पारदर्शी तरीके से कार्रवाई करेगी, और जो शिकायतें मिली हैं, जो आपस में उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए हैं, पुलिस पूरी तरीके से वक्तनुक्त तरीके से मूल्यांकन के बाद ही कार्रवाई करेगी। पुलिस ने इस चुनाव में भी पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से अपराध ग्रह से 3 अपराधी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अपराधी कोरोना पीड़ित थे, जिसके कारण अपराधियों को आइसोलेशन वार्ड में बाकी अपराधियों से अलग रखा गया था, जहां से मौके का फायदा उठाकर अपराधी जेल से फरार हो गए। अपराधियों के फरार होने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अपराधियों में से 2 कोरिया जिले के और 1 सरगुजा जिले का था। गांधीनगर पुलिस ने फरार अपराधियों की जाँच शुरू कर दी है। जबलपुर के कुंडम थाना अंतर्गत सदाफल में पुराने विवाद को लेकर 30 से 35 बदमाशों ने रवि सिंह के घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए फायरिंग की, जहां घर के बाहर खड़ी बुलेरो वाहन में बदमाशों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे पूरा परिवार दहशत में आ गया। वहीं जान से मारने की धमकी देते हुए बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और आला अधिकारी ने इस मामले में पुलिस कार्रवाई करते हुए 10 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। ये साहू समाज के लोग हैं और कुछ अदर समाज के भी लोग हैं जो हमारे गांव के हैं। कुंडम में अन्यथा किसी साहू समाज का कुछ विवाद होने की वजह से हमारे छोटे भाई सेवा ठाकुर को यहाँ पे
टारगेट करके किया जा रहा है कि ये उसने किया है, उसने करवाया और ये था यहाँ पे, और उसको जान से मारने की धमकी दी गई है कि जान से मार देंगे और ऐसा ऐसा किया जा रहा है। और यहाँ पे दिन में आए पहले इन लोग 50-60 लोगों ने गाली गलौज सब किया, को सब कुछ किया, पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ी थी। रात में आने के बाद जो हुआ, TI साहब स्वयं यहाँ पे थे, रात में नौ बजे आए तो TI साहब से एक न शायद झीना झुपटी भी हुई, उसके बाद भी पुलिस एक्शन में नहीं आई दिन में। तो किन लोगों ने जो है क्या फायरिंग भी हुई है, क्या क्या किया है? हाँ, तो संदीप साहू, सतीश साहू, मनीष साहू, देवेंद्र नाय, दिन्नू साहू और घसीटा साहू, और अपना क्या बोलते हैं लोग, और संदीप साहू, इन लोग अन्यथा, और बाकी लोग अभी तक फरार है जो उमेश झारिया, इन लोग अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाए। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।